नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में श्री राम लीला महोत्सव की शुरुआत की गई। जी हां, हम आपको बता देते हैं, श्री राम दशहरा महोत्सव की शुरुआत शहर के गांधी मैदान और सूखा सरोवर पुरानी इटारसी से की गई। गांधी मैदान में श्री बालकृष्ण लीला संस्थान वृंदावन द्वारा रामलीला का मंचन किया गया, तो वहीं सूखा सरोवर में जगदम्बा रामलीला मंडल मेहर सतना द्वारा रामलीला का मंचन किया गया। गांधी मैदान में रामलीला मंचन के पहले दिन श्री गजानन प्रसन्न पूजन नारद मोह का मंचन किया गया, तो वहीं सूखा सरोवर में राजा मनु व सतरूपा की तपस्या श्री राम जन्म व बाल लीला का मंचन किया गया। रामलीला मंचन के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति व पार्षद के साथ भगवान श्री गणेश का आवाहन कर उनकी पूजन की गई। इसके साथ ही भगवान श्री राम सीता माता की पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया गया। आपको बता देते हैं, श्री राम लीला दशहरा उत्सव की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर अब पूरे 10 दिन तक यह उत्सव चलाया जाएगा। इटारसी के सभी लोग इस रामलीला उत्सव का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें टीवी न्यूज़ में।